Hello, good morning kids. So today we are going to see our next chapter, which is chapter 10. The chapter name is 18th century political formation. Basically 18th century mein political formation kis tarah se hua, us samay ki rajneeti ko jo hai hum yahan pe is chapter mein dekhne wale hain. So let's start this. If you look at the map 1 and 2 closely, you will see the something significant happening in the subcontinent during the first half of the 18th century. Notice how the boundaries of the Mughal Empire were reshaped by the emergence of the number of independent kingdom by 1765. अब देखिए यहाँ पे बताया है कि अगर आप मैप 1 और मैप 2 को देखेंगे तो एक जो लाइन इमर्ज हो रही है आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेसिकली जो मुगल एम्पायर है वो रीशेप हो रहा है काफ़ी ज़्यादा नंबर में इंडिपेंडेंटली. ठीक है, तो अब ये मैप 2 है जो यहाँ पे शो किया गया है. अब इसके बाद हम आगे देखते हैं. द ब्रिटिश हैड सक्सेसफुली ग्रैब्ड अ मेजर चंक्स ऑफ द टेरिटरी इन द ईस्टर्न इंडिया. वॉट दिस मैप टेल्स अस इन द पॉलिटिकल कंडीशन इन 18th सेंचुरी इंडिया चेंज्ड क्वाइट ड्रामेटिकली एंड विद इन द रिलेटिवली शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि मैप क्या आपको बता रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है, इन कंडीशंस को आपको देखना है. जैसे कि ये जो कंडीशन है क्या है, काफ़ी क्वाइटली चेंज हुई है ड्रामेटिकली, तो इन सारी चीज़ों को रिलेटिवली शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बताया गया है. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द एमर्जेंस ऑफ अ न्यू पॉलिटिकल ग्रुप. और बेसिकली ये क्या है, इस चैप्टर में यही बताया गया है कि किस तरह से न्यू पॉलिटिकल ग्रुप जो है सब कॉन्टिनेंट में फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी जो है वो बना था, रफली फ्रॉम 1707 व्हेन द औरंगजेब डाइड एंड टिल द थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत विच इन 1761. सो बेसिकली अपना पॉलिटिकल पावर मतलब क्या, जैसे जैसे वो किसी भी स्टेट को कॉन्कर कर रहे थे तो उस समय क्या हो रहा था, जहाँ पे भी वो कॉन्कर कर रहे हैं वहाँ पे उनके लॉ एंड ऑर्डर चलेंगे, वहाँ पे उनकी ही सत्ता चलेगी. तो इस तरह से क्या है, पॉलिटिकल पावर भी इस तरह से बढ़ता चला गया. द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड द लेटर मुगल्स. अब जो क्राइसिस थी एम्पायर्स की और जो मुगल्स की वो क्या थी, कैसे हुई, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. इन चैप्टर 4 यू सॉ हाउ द मुगल एम्पायर रीच द हाइट ऑफ इट्स सक्सेस. अब जैसे कि आप देख सकते हैं चैप्टर 4 में आपने देखा है कि मुगल एम्पायर जो है अपनी हाइट ऑफ सक्सेस को किस तरह से रीच कर रहा है. स्टार्टिंग फेसिंग अ वेराइटी ऑफ क्राइसिस टूवर्ड्स द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ द 17th सेंचुरी. अपनी जो भी क्राइसिस है उसकी क्लोजिंग ईयर्स जो है 17th सेंचुरी के तब से. दीज वर कॉज्ड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर. और ये सारी चीज़ें क्या है, इसके कई सारे कॉजेस थे जिसके कई सारे फैक्टर्स थे. अब हम देखेंगे. एम्परर औरंगजेब हैड डिप्लीटेड द मिलिट्री एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ हिज एम्पायर बाय फाइटिंग अ लॉन्ग वॉर इन द डेक्कन. अब देखिए ये जो है नंबर ऑफ फैक्टर बेसिकली क्या है, एम्परर औरंगजेब ने डिप्लीटेड किया है बाय मिलिट्री, जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे एम्पायर के, ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वॉर जो है काफ़ी लंबा चला था इन द डेक्कन. अंडर हिज सक्सेसर द एफिशिएंसी ऑफ द इम्पीरियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोक डाउन. और इनके सक्सेसर्स के ही बीच में जो एफिशिएंसी थी इम्पीरियल एडमिनिस्ट्रेशन की, ये क्या हुई, ब्रोक डाउन हो गई. इट बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर द लेटर मुगल एम्परर टू कीप चेक ऑन द पावरफुल मनसबदार. और ये धीरे धीरे क्या है, इस वजह से ये जो है प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जो बाद में मुगल एम्परर बने उनके लिए सारी चीज़ों पर या फिर हम कह सकते हैं मनसबदार जो पावरफुल मनसबदार हैं उनके ऊपर जो चेकिंग थी उसे रख पाना या फिर उनकी जो है उन पर जो ध्यान रख पा रहे थे वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही थी, काफ़ी परेशानियाँ आ रही थी. नोबल्स अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफन कंट्रोल द ऑफिसेस ऑफ द रेवेन्यू एंड द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल. अब जो गवर्नर्स थे ये क्या कंट्रोल करते थे, जो भी रेवेन्यू ऑफिसेस होते थे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की और ये सारी चीज़ें जैसे कि दीवानी एंड फौजदारी, तो ये सारी चीज़ों पर वो गवर्नर्स क्या करते थे, उस पर ध्यान देते थे. दिस गेव देम अ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड अ मिलिट्री पावर ओवर अ वास्ट रीजन ऑफ द मुगल एम्पायर. और यही चीज़ जो है उन्हें क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल और मिलिट्री पावर देती थी इन रीजन्स में ऑफ द मुगल एम्पायर. एज द गवर्नर कंसोलिडेटेड देयर कंट्रोल ओवर द प्रोविनेंस. और जिस तरह से ये गवर्नर को जिस तरह का ये कंट्रोल मिल रहा था ओवर द प्रोविनेंस, पीरियोडिक रिमिशन जो था रेवेन्यू का फॉर द कैपिटल, ये क्या हो गया,
डिक्लाइंड हो गया। पीजेंट एंड जमींदार रिबेलियंस इन अ मेनी पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न एंड द वेस्टर्न इंडिया एडेड टू दिस प्रॉब्लम। जो पीजेंट्स थे, जो भी जमींदार या फिर जो किसान थे, इन सारे ये सारे क्या हो गए, बहुत ज़्यादा रिबेलियस हो गए, मतलब बहुत ही ज़्यादा विद्रोह में उतर आए, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया। जो कि नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो गया था। दिस रिवोल्ट वर समथिंग कॉज्ड बाय द प्रेशर ऑफ माउंटिंग टैक्सेस। और ये जो रिवोल्ट हुआ था, इसके पीछे का जो कॉज था, मेन कॉज अगर हम कह सकते हैं, जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहा था, बढ़ा रहा था, ये था जिस तरह के टैक्सेस कलेक्ट किए जा रहे थे। एट अदर टाइम्स देवर अटैम्प्ट बाय द पावरफुल चीफ टेंस टू कंसोलिडेट देयर ओन पोजिशन। और ये टाइम्स की अगर हम बात करें तो कई सारे पावरफुल जो चीफ टेंस थे, इसे कंसोलिडेट किया गया है उनके ओन पोजिशन को। मुगल अथॉरिटी हैड बीन चैलेंज्ड बाय द रिबेलियस ग्रुप इन दी पास्ट एज वेल। और जो मुगल अथॉरिटी थी, इन्होंने इस चीज़ को चैलेंज किया था, इस रिबेलियस ग्रुप को, इन द पास्ट एज वेल। But this group were now able to seize the economic resources of the region to consolidate their position. और basically यही सारी चीज़ें थी, यही reason था जो seize कर रहा था क्या, पूरे economic resources को इन regions में। The Mughal Emperor after Aurangzeb were unable to arrest the gradual shifting of a political and economic authority। और जो मुगल एम्परर थे आफ्टर औरंगजेब, इन्होंने क्या किया, ये अनेबल थे अरेस्ट करने के लिए ग्रेजुअल शिफ्टिंग ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अथॉरिटी इनटू द हैंड्स ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नर, लोकल चीफटेंस एंड द अदर ग्रुप्स। अब इसके बाद हम देखेंगे आगे। देखिए यहाँ पे जो बताया गया है, रिच हार्वेस्ट एंड द एम्प्टी कॉफर्स। द फॉलोइंग कैन द कंटेम्प्रेरी राइटर अकाउंट ऑफ द फाइनेंशियल बैंक्रप्सी ऑफ द एम्पायर। ये जो है जब हम कह सकते हैं, जब एम्पायर के पास पैसा नहीं बचा, जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ख़राब हो गई, तब हम बैंक्रप्सी का यूज़ करते हैं। तो ये उस समय की बात करें तो यहाँ पे एक छोटा सा हाईलाइटेड पॉइंट है, वो क्या है, चलिए देखते हैं। द ग्रेट लॉर्ड आर हेल्पलेस एंड द इम्प्रोविस्ट एंड देयर पीजेंट रेस टू क्रॉप्स ईयर, बट देयर लॉर्ड सी नथिंग ऑफ द आइदर एंड देयर एजेंट्स ऑन द स्पॉट आर वर्चुअल प्रिजनर इन द पीजेंट हैंड्स। Like a peasant kept in his creditor's house until he paid his debt, so complete is the collapse of all the harvest of gold, and his lord does not see the much as a wisp of the straw. How then can the lord keep the armed forces he should, and how can he pay the soldier who should go before him when he goes out, or the horseman who should ride behind him? अब देखिए बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से जो पीजेंट या फार्मर्स थे, वो किस तरह से कर्ज लेके अपनी जो है फार्मिंग कर रहे थे, और इस फार्मिंग करने के बावजूद भी जो भी वो अनाज उगा पा रहे थे उसे वो बेच नहीं सकते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ से उन्होंने उधार लिया है, सबसे पहले वो क्या करते थे, वो उसे वहाँ से उठा के लेके चल जाते थे, कि जब तक कि हम लोन नहीं चुकता कर लेते तब तक वो चीज़ उन्हें वहाँ पर नहीं मिलेगी। In the midst of the economic and the political crisis, the ruler of the Iran, Nadir Shah, sacked and the plundered the city of Delhi in the 1739 and took away the immense amount of wealth. This invasion was followed by a series of plundering raids by the Afghan ruler Ahmad Shah Abdali, who invaded the North India 5 times between 1748 and 1761. अब देखिए अगर midst economic political crisis की बात किया जाए, जो ruler थे ईरान के नादिर शाह, इन्होंने कई सारे प्लंडर देखे थे सिटी दिल्ली में इन 1739, जो कि काफ़ी ज़्यादा इमेंस अमाउंट ऑफ वेल्थ जो है वहाँ पे उस समय उसका इन्वेजन देखा गया था। ये जो इन्वेजन हुआ था, ये एक सीरीज ऑफ प्लंडरिंग रेड के कारण हुआ था, जो कि अफगान रूलर ने अहमद शाह अब्दाली ने किया था, हु इन्वेडेड द नॉर्थ इंडिया 5 times। बेसिकली उसने नॉर्थ इंडिया को क्या है, 5 बार उसने लूटा था बिटवीन 1748 टू 1761। अब नादिर शाह का जो अटैक था दिल्ली पे, उसके बारे में एक छोटा सा नोट यहाँ बताया गया है। द डिवास्टेशन ऑफ द दिल्ली आफ्टर नादिर शाह इन्वेशन वॉज डिस्क्राइब बाई द कंटेम्प्रेरी ऑब्जर्वर। वन डिस्क्राइब द वेल्थ लूटेड फ्रॉम द मुगल ट्रेजरी एज फॉलोज। 60 lakh rupee and the some thousands gold coins, nearly 1 crore worth of a gold ware and nearly 50 crore worth of the jewels, most of them unrivaled in the world, and the above included the peacock throne. Another account described the invasion or impact of upon Delhi is those who had been master were not in a dire strait, and those who had been revered couldn't even quench their thirst. The
The recluses were the puffed out of their corner. The wealthy were turned into a beggar. Those who once set the style in clothes now went naked. Those who owned a property were now homeless. The new was turned into a rubble. Then they attacked the old quarter of the city and destroyed a whole world that existed there. तो basically उस समय नादिर शाह के बारे में बताया गया है, जिस तरह से उनकी जो अटैक जिस तरह से उन्होंने किया था और जिस तरह से वहाँ पे इन्वेडेड किया था उस समय के बारे में, और किस किस तरह से उन्होंने वहाँ की चीज़ों को लूटा, अटैक किया, किस तरह से डिस्ट्रॉय किया, इन सारी चीज़ों का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है. ऑलरेडी अंडर द सीवियर प्रेशर फ्रॉम ऑल द साइड द एम्पायर वॉज फर्दर वीकेंड बाय द कॉम्पिटिशन अमंग्स द डिफरेंट ग्रुप ऑफ नोबल्स. अब देखिए, कई इतना सारा प्रेशर जो चल तो रहा था, ये इसके साथ साथ एम्पायर जो है और भी ज़्यादा कई वीक होता चला जा रहा था, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन था अमंग्स ऑल द नोबल्स, यानी आस पास की जो हम कह सकते हैं एम्परर्स थे या फिर जो किंगडम थे उनके कॉम्पिटिशन में. दे वर डिवाइडेड इन टू अ टू मेजर ग्रुप ऑफ फैक्शन, और ये जो है टू मेजर ग्रुप्स में इनका डिविडेशन हुआ था. फर्स्ट थे ईरानीज एंड सेकेंड वॉज द तुरानीज विच इज़ द नोबल ऑफ अ टर्किश डिसेंट. फॉर अ लॉन्ग टाइम द लेटर मुगल एम्परर वर पपेट इन द हैंड्स ऑफ द अदर वन. और ये लेटरली क्या हो गया, बेसिकली ये मुगल जो थे, ये मुगल एम्परर, ये पपेट बन गए उनके हैंड्स के. अदर दिस टू पावरफुल ग्रुप, इन्हीं दो पावरफुल ग्रुप के बेसिकली क्या हो गए, पपेट बन के रह गए. द वर्स्ट पॉसिबल ह्यूमिलेशन केम वैन द टू मुगल एम्परर फारूक सियार एंड द अलमागिरी वर असाइनेटेड एंड टू अदर अहमद शाह एंड द शाह आलम वर ब्लाइंडेड बाय देयर नोबल्स. अब देखिए, सबसे ज़्यादा ह्यूमिलेशन तब हो गया जब जो दो मुगल एम्परर थे जो कि फारूक सियार और आलमगीर थे, ये क्या गए, असैसिनेटेड हो गए बाय द टू, जो कि कौन थे, अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय. इन्होंने ब्लाइंडेडली क्या किया अपने नोबल्स को, मतलब जो ये कह दें, जो ये माल बोल दें, वो उन चीज़ों को मान लेते थे. इस तरह से उन्होंने ब्लाइंडेड कर दिया था बेसिकली उन्हें. एमरजेंस ऑफ द न्यू स्टेट. अब किस तरह से न्यू स्टेट का एमरजेंस था, यानी क्या ज़रूरत थी, वो हम देखेंगे. विद द डिक्लाइन इन द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्परर द गवर्नर ऑफ अ लार्ज प्रोविनेंस सूबेदार एंड द ग्रेट जमींदार कंसोलिडेटेड देयर अथॉरिटी इन अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. थ्रू द 18th सेंचुरी द मुगल एम्परर ग्रेजुअली फ्रेगमेंटेटेड इंटू अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट. ब्रॉडली स्पीकिंग द स्टेट्स ऑफ द 18th सेंचुरी कैन बी डिवाइडेड इंटू अ थ्री ओवरलैपिंग ग्रुप्स स्टेट दैट वर ओल्ड मुगल प्रोविनेंस लाइक अवध बंगाल एंड द हैदराबाद. ऑल्दो एक्सट्रीमली पावरफुल एंड क्वाइट इंडिपेंडेंट द रूलर ऑफ दिस स्टेट डिड नॉट ब्रेक देयर फॉर्मल टाइज विद द मुगल एम्परर in the state that they enjoy considerable independence under the Mughals as a Watan Jagirs. This included the several Rajput principalities and thus the last group included the state under the control of the Marathas, Sikh and the other like the Jat. These were of the differing sizes and had seized their independence from the Mughals after a long drawn armed struggle. अब देखिए, यहाँ पे बताया गया है बेसिकली कि किस तरह से emergence of the new state हुआ, क्या क्या चीज़ें की गई, क्या बताई गई, मतलब बेसिकली जो 18th सेंचुरी का टाइम था उस टाइम पे जो मुगल एम्पायर थे, ये ग्रेजुअली क्या हो रहा था, फ्रेगमेंटेड होते जा रहा था. नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट्स बन रहे थे, यानी दो टुकड़े टुकड़े में वो टूटता चला जा रहा था. ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये थ्री स्टेट्स में ओवरलैपिंग ग्रुप्स में डिवाइड हुआ था. जैसे पहला है स्टेट दैट वर ओल्ड मुगल प्रोविनेंस लाइक अवध, जैसे कि जो पुराने स्टेट्स थे वो सबसे पहले गए, जैसे कि अवध है, बंगाल है, हैदराबाद है. सो ऑल्सो एक्सट्रीमली पावरफुल एंड क्वाइट इंडिपेंडेंट, ये एक्सट्रीमली पावरफुल भी थे और क्वाइटली इंडिपेंडेंट हो चुके थे. रूलर ऑफ दिस स्टेट्स डिड नॉट ब्रेक देयर फॉर्मल टाइज, और बेसिकली इन्होंने क्या किया, यहाँ के रूलर्स ने जो फॉर्मल टाइज थे, यानी जो एक गठबंधन थे, उसे नहीं तोड़ा था. बट देयर फॉर्मल, वो फॉर्मली क्या हो गए थे, बट देयर फॉर्मल टाइज विद द मुगल एम्परर, लेकिन उसका जो फॉर्मल टाइज था वो उन्होंने मुगल एम्परर के साथ जोड़ रखा था. State that had been enjoyed the considerable independence under the Mughal as a Watan Jagirs. अब एक देखिए, कुछ स्टेट ऐसे थे जो considerable independence को बहुत ज़्यादा enjoy कर रहे थे, जो independence उन्हें मिली थी, जैसे कि Mughals की as Watan Jagirs, and this included the several Rajput principalities. और ये जो है, इसमें बहुत सारे several Rajput principalities थे.
थर्ड था द लास्ट ग्रुप इंक्लूडेड अ स्टेट अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठास। जो थर्ड ग्रुप था वो किसके कंट्रोल में था, मराठा की ग्रुप में, सिख के और अदर लाइक अ जट। दिस वर ऑफ द डिफरेंट डिफरिंग साइजेस, इनके अलग अलग साइजेस थे, मतलब बहुत बड़े बड़े नहीं थे, कुछ छोटे कुछ बड़े कुछ छोटे बड़े, इस तरह से इन्होंने इंडिपेंडेंस पाई थी मुगल से आफ्टर अ लॉन्ग ड्रॉन ऑफ आर्म्ड स्ट्रगल, यानी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई और इन सारी चीज़ों के बाद। द ओल्ड मुगल प्रोविनेंस, अब ओल्ड मुगल प्रोविनेंस क्या है, अमॉन्गस्ट द स्टेट दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ द ओल्ड मुगल प्रोविनेंस इन द 18th सेंचुरी थ्री स्टैंड आउट वेरी प्रॉम्प्टली, दीज वर द अवध बंगाल। अब ओल्ड मुगल प्रोविनेंस जो है उसकी बात की जा रही है, तो अमॉन्गस्ट ऑल दी स्टेट्स जो भी ओल्ड मुगल प्रोविनेंस चल रही थी 18th सेंचुरी में, वो थ्री स्टैंड आउट थी जो कि प्रॉम्प्टली थी। दिस वर कौन कौन सी थी, अवध थी, बंगाल थी एंड हैदराबाद थी, यानी ओल्ड जो थी उनमें से ये तीन जो थी क्या काफ़ी पावरफुल थी। ऑल थ्री स्टेट वर फाउंडेड बाय द मेंबर ऑफ द हाई मुगल नोबिलिटी, और ये जो थ्री स्टेट्स थे ये काफ़ी जो ज़्यादा हाई मुगल पर्सन थे, यानी जो किंग थे या हम कह सकते हैं हाई नोबिलिटी पे थे, उन्होंने इसे फाउंड किया था। गवर्नर ऑफ लार्ज प्रोविनेंस वॉज सादत खान ऑफ अवध एंड द मुर्शिद कुली खान फॉर बंगाल एंड द असफ जहाँ फॉर दी हैदराबाद। ऑल थ्री हैड ऑक्यूपाइड अ हाई मनसबदारी पोजिशन एंड एन्जॉयड द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्परर, और ये जो थे ये सबसे ज़्यादा हाई पोजिशन ऑफ मनसबदार की जो पोजिशन थी उसको इन्जॉय कर रहे थे, यानी उन्होंने उसको ऑक्यूपाई किया हुआ था, और ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जो था राजा का वो इन पे ही था, और इसी चीज़ को वो इन्जॉय कर रहे थे। बोथ आसफ जहाँ एंड द मुशारिफ अली खान हैड अ जेट रैंक ऑफ द 7,000 ईच एंड वाइल द शादत खान जेट वॉज अ 6,000, ये शायद इनकी सैलरी थी। हैदराबाद, द निज़ाम उल मुल्क असफ जहाँ द फाउंडर ऑफ द हैदराबाद स्टेट वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेम्बर एट द कोर्ट ऑफ द मुगल एम्परर फारूक सियार। अब देखिए जो निज़ाम उल मुल्क असफ शाह थे ये थे फाउंडर ऑफ द हैदराबाद स्टेट, और बेसिकली इन्होंने ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मेम्बर थे, और ये जो मुगल एम्परर था उसमें अच्छी खासी पोजिशन जो थी, काफ़ी पावरफुल मेम्बर की जो पोजिशन थी वो इन्होंने गेन करके रखी हुई थी। ही वॉज इंटरेस्टेड फर्स्ट विद द गवर्नरशिप ऑफ द अवध, और फर्स्ट तो उनको ट्रस्ट करने का रीज़न था कि उनकी जो गवर्नरशिप थी अवध की, एंड लेटर गिवन अ चार्ज ऑफ द डेक्कन, और उसके तुरंत बाद क्या उन्हें डेक्कन का भी चार्ज दिया गया। एज द मुगल गवर्नर ऑफ द डेक्कन प्रोविनेंस ड्यूरिंग द 1722-722 असफ जहाँ हैड ऑलरेडी गेन द कंट्रोल ओवर इट्स पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इस समय जो था बेसिकली उन्होंने यहाँ का जो है पॉलिटिकल और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर भी कंट्रोल उन्होंने पा लिया था। Taking a subsequent advantage of the turmoil in the Deccan and the competition amongst the court nobility, he gathered a power in his hands and became the actual ruler of that region. और धीरे धीरे बेसिकली क्या हुआ, इस नोबिलिटी को उन्होंने गैदर करना शुरू किया, और सारे पावर्स जब उनके पास गैदर हो गए उनके हाथों में, तो वो वहाँ के एक्चुअल क्या बन गए, रूलर बन गए उस रीजन के। असफ जहाँ ब्रॉट द स्किल्ड सोल्जर एंड द एडमिनिस्ट्रेटर फ्रॉम द नॉर्दर्न इंडिया हु वेलकम द न्यू अपॉर्चुनिटी इन द साउथ, और असफ जहाँ ने जो है कई सारे स्किल्ड सोल्जर्स के एडमिनिस्ट्रेटर भी किया फ्रॉम द नॉर्दर्न इंडिया, जिन्होंने कई सारी और न्यू अपॉर्चुनिटी जो फ्रॉम साउथ से आ रही थी उसे एक्सेप्ट की। ही अपॉइंटेड द मनसबदार एंड ग्रांटेड द जागीर्स, और बेसिकली उन्होंने और भी मनसबदार्स को क्या किया, अपॉइंट किया, उन्हें जागीर दी। ऑल्दो ही वॉज स्टिल अ सर्वेंट ऑफ द मुगल एम्परर, इसके बाद भी क्या थे वो एक सर्वेंट ही थे मुगल एम्परर के। He ruled quietly independent without seeking any direction from Delhi or facing any interference, और वो जो है वहाँ काफ़ी इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहे थे विदाउट एनी सजेशन, या फिर हम कह सकते हैं इंटरफेरेंस दिल्ली से जो था ये बिल्कुल भी नहीं था, वो किसी से परमिशन नहीं लेते थे, अपने अकॉर्डिंग ही वो जो है वहाँ का राजपाट चला रहे थे। द मुगल एम्परर मेयरली कन्फर्म द डिसीजन ऑलरेडी टेकन बाय द निज़ाम उल मुल्क असफ जहाँ, और जो मुगल एम्परर था ये मेयरली जो भी डिसीजन था बेसिकली किनके द्वारा लिया जा रहा था, इन्हीं के द्वारा लिया जा रहा था। द स्टेट ऑफ द हैदराबाद वॉज कॉन्स्टेंटली इंगेज इन अ स्ट्रगल अगेंस्ट द मराठास टू द वेस्ट एंड विद द इंडिपेंडेंट तेलुगु वॉरियर चीफ। अब देखिए जो दो हैदराबाद स्टेट था ये कॉन्स्टेंटली क्या था, इंगेज था किस चीज़ में, स्ट्रगल में जो कि मराठास के साथ हो रहा था वेस्ट में विद द इंडिपेंडेंट तेलुगु
वॉरियर चीफ ऑफ द प्लाटू. द एम्बिशन ऑफ द निज़ाम उल मुल्क असफ शाह टू कंट्रोल द रिच टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ द करमंडल कोस्ट इन द ईस्ट एंड चेक्ड बाय द ब्रिटिश हु वर बिकमिंग इंक्रीजिंगली पावरफुल इन द रीजन. बेसिकली वो चाहती थी जो टेक्सटाइल एरिया प्रोड्यूसिंग एरिया है वहाँ का वो उनके कब्जे में आ जाए और उस पर उनका कंट्रोल जो है वो आ जाए, तो वो और भी ज़्यादा क्या होंगे, पावरफुल रीजन में आ जाएंगे. अब हम देखेंगे अवध. सुबुरहान उल मुल्क सादत खान वॉज अपॉइंटेड एज अ सूबेदार ऑफ द अवध इन 1722 एंड फाउंडेड अ स्टेट विच है वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू इमर्ज आउट ऑफ द ब्रेक अप द मुगल एम्पायर. अवध वॉज अ प्रॉस्परस रीजन कंट्रोलिंग द रिच अलवेल गंगा प्लेन एंड द मेन ट्रेड रूट बिटवीन द नॉर्थ इंडिया एंड बंगाल. अब देखिए ये जो थे यहाँ के मनसबदार थे और इन्होंने ही स्टेट को फाउंड आउट किया था, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन थे जो कि इस सारी चीज़ों का ख्याल रखते थे. अवध जो था ये काफ़ी एक प्रॉस्परस रीजन था. यहाँ पे जो गंगा बहती थी वहाँ के ये एलुवियल जो मिट्टी थी ये काफ़ी ज़्यादा रिच थी, मतलब वहाँ पे बहुत मिलती थी. सो ये बिटवीन नॉर्थ और बंगाल के बीच में थे जो कि एक रूट भी डिसाइड करती थी. बुरहानुल मुल्क ऑल्सो हैड द कम्बाइंड ऑफिस ऑफ द सूबेदारी दीवानी एंड फौजदारी, और इनके पास जो थे सूबेदारी और दीवानी फौजदारी के कम्बाइंड ऑफिस थे. इन दी अदर वर्ड्स अगर हम कहें तो ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द पॉलिटिकल फाइनेंशियल एंड मिलिट्री अफेयर्स ऑफ द प्रोविनेंस ऑफ अवध. और बेसिकली ये क्या है, अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबल थे मैनेज करने के लिए पॉलिटिकल फाइनेंशियल एंड द मिलिट्री अफेयर ऑफ द प्रोविनेंस ऑफ द अवध. बुरहान उल मुल्क ट्राइड टू डिक्रीज द मुगल इन्फ्लुएंस इन द अवध रीजन बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ऑफिस होल्डर्स अपॉइंटेड बाय द मुगल. ही ऑल्सो रिड्यूस द साइज ऑफ जागीर्स द अपॉइंटेड हिज ओन लॉयल सर्वेंट टू द वैकेंट पोजिशन. द अकाउंट्स ऑफ जागीरदार वर चेक्ड टू प्रिवेंट द चीटिंग एंड द रेवेन्यू ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट वर डिसेस्ड बाय ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय द नवाब्स कोर्ट. ही सीज अ नंबर ऑफ राजपूत जमींदार एंड द एग्रीकल्चर फर्टाइल लैंड ऑफ द अफगान्स रोहिलखंड. अब देखिए बेसिकली ये जो है मुगल जो था बुरहानुल मुल्क जो थे ये ट्राई कर रहे थे कि जो भी मुगल का इन्फ्लुएंस चल रहा था अवध पे वो धीरे धीरे क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, नंबर ऑफ होल्डर्स यानी जो जागीरदार हैं वो कम हो जाए, और जो जिनको मुगल ने अपॉइंट किया. ही ऑल्सो रिड्यूस द साइज ऑफ द वैकेंट पोजीशन, और जो वैकेंट पोजीशन थी उसकी साइज़ भी उसने क्या कर दी, रिड्यूस कर दी. तो बेसिकली जागीरदार जो चेक रख पा रहे थे चीटिंग के लिए, रेवेन्यू के लिए और सारी चीज़ों के लिए, इन सारी चीज़ों को क्या कर चाहते थे कि वो हट जाए नवाब के कोर्ट से, ताकि जितने भी नंबर ऑफ राजपूत जो हैं जमींदार एग्रीकल्चर फर्टाइल लैंड ये सारे धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से क्या करना चाहते थे, सीज करना चाहते थे. द स्टेट डिपेंडेंट ऑन लोकल बैंकर्स इन द महाजन्स फॉर लोन्स. इट सोल्ड राइट टू कलेक्ट टैक्स टू द हाइएस्ट बिदर्स एंड दिस रेवेन्यू फार्मर अग्रीड टू पे द स्टेट फिक्सड सम ऑफ मनी. लोकल बैंकर्स गारंटीड द पेमेंट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट द स्टेट इन टर्न. द रेवेन्यू फार्मर वर गिवन अ कंसिडरेबल फ्रीडम इन द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस. दिस डेवलपमेंट अलाउड अ न्यू सोशल ग्रुप द मनी लैंडर्स एंड द बैंकर्स टू इन्फ्लुएंस. अब देखिए धीरे धीरे ये स्टेट क्या है डिपेंडेंट होने लगा था लोकल बैंकर्स पे, महाजन्स पे जो फॉर द लोन, और इन्होंने कई सारे जो चीज़ें हैं सोल्ड की, राइट टू कलेक्ट द टैक्स ऑफ द हायर बीडर्स. ये जो रेवेन्यू था फार्मर्स का ये जो है ये पे करने के लिए वो रेडी हो चुके थे. जो भी लोकल बैंक थे गारंटीड लेते थे इस पेमेंट की, कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट की. इसके बाद जो भी रेवेन्यू फार्मर्स थे वो इन सारी चीज़ों को कंसिडरेबली एज अ फ्रीडम इन द असेसमेंट ऑफ कलेक्शन टैक्सेस जो है वो दे दिया करते थे. ये डेवलपमेंट जो है ये अलाउ कर रहा था कहीं ना कहीं एक नए न्यू सोशल ग्रुप को, जैसे कि जो भी मनी लैंडर है या बैंकर हैं उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा था. द मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट रेवेन्यू सिस्टम समथिंग विच हैड नॉट ऑकर्ड इन द पास्ट. और ये जो जिस तरह का सिस्टम था ये पहले नहीं आया था पास्ट में, बट ये कुछ नया था जो कि एक नए तरह का ग्रुप जो है बेसिकली बन रहा था. अब हम देखेंगे बंगाल. द बंगाल ग्रेजुअली ब्रोक अवे फ्रॉम द मुगल कंट्रोल अंडर द मुर्शिद कुली खान हु वॉज अपॉइंटेड एज द नायब डेप्यूटी टू द गवर्नर ऑफ प्रोविनेंस. अब देखिए बंगाल की बात करें तो वहाँ पे जो थे मुगल कंट्रोल किसके हाथ में था, मुर्शिद कुली खान के हाथ में. हु वॉज अपॉइंटेड एज द नायब, जो कि क्या थे, एक डिप्यूटी थे ऑफ द गवर्नर ऑफ द प्रोविनेंस. ऑल्दो नेवर अ फॉर्मल सूबेदार, मुर्शिद कुली खान वेरी क्विकली सीज ऑल द पावर दैट वेंट विद द ऑफिस. लाइक द रूलर ऑफ हैदराबाद एंड अवध ही ऑल्सो कमांडेड द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट. देखिए इन्होंने एकदम से पूरी चीज़ें अपने हक में नहीं ली. जैसे वो पहले रेवेन्यू और बाकी की चीज़ें जैसे अवध और हैदराबाद में हो रही थी कि वो संभाल रहे थे, वैसे ये भी एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो था ये उनका एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे उस स्टेट का.
इन एन एफर्ट टू रिड्यूस द मुगल इन्फ्लुएंस इन बंगाल ही ट्रांसफर्ड ऑल मुगल जागीरदार टू उड़ीसा। और ये बेसिकली क्या कर रहे थे, जो मुगल इन्फ्लुएंस था बंगाल में रिड्यूस करने के लिए उन्होंने जितने भी मुगल जागीरदार थे उन्हें उड़ीसा में उन्होंने शिफ्ट कर दिया, इसका ऑर्डर दिया। अ मेजर रीअसेसमेंट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द बंगाल रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड इन कैश। और सबसे ज़्यादा जो भी रीअसेसमेंट होता था रेवेन्यू का बंगाल में, वो सबसे ज़्यादा कैश में कलेक्ट करने की कंपल्शन रख दिया गया था, स्ट्रिक्टनेस थी कि उसमें ही कनेक्ट करना है। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, कई सारे ज़मींदार ने पैसे बोरो करना शुरू किया फ्रॉम बैंकर्स एंड मनी लैंडर्स। सो दो जो जो इससे क्या हो रहा था, जो पैसे नहीं पे कर पा रहे थे वो क्या हो रहे थे, फोर्स्ड हो जा रहे थे अपने लैंड्स को सेल करने के लिए टू द लार्जर ज़मींदार। यानी अगर मान के चले उन्हें कैश ही लेना है, कैश ही पे करना है, तो इस चक्कर में क्या हो रहा था कि वो ज़मींदार से पैसे कर्ज लेते थे। अगर वो कर्ज पे ही नहीं कर पा रहे हैं एट अ टाइम, तो उसके बाद वो ज़मीन किसकी हो जाएगी, उस बड़े ज़मींदार की हो जाएगी जिनसे उन्होंने लोन लिया है। द फॉर्मेशन ऑफ अ रीजनल स्टेट इन 18th सेंचुरी बंगाल देयरफॉर लेड टू द कंसिडरेबल चेंज अमंग्स द ज़मींदार। द क्लोज कनेक्शन बिटवीन द स्टेट एंड बैंकर नोटिसेबल इन हैदराबाद एंड अवध एज वेल वॉज एविडेंट इन द बंगाल अंडर द रूल ऑफ द अलवर्दी खान। ड्यूरिंग हिज रीजन द बैंकिंग हाउस ऑफ द जगत स्टेट बिकम एक्सट्रीमली प्रॉस्परस। इफ़ यू टेक अ बर्ड्स आई व्यू वी कैन डिटेक्ट द थ्री कॉमन फीचर अमॉन्ग्स दी स्टेट। अब देखिए, अगर हम बर्ड आई व्यू लें, मतलब हम समझने की कोशिश करें कि क्या मेन फीचर्स थी इन स्टेट्स के बीच में, तो वो तीन फीचर क्या थी। फर्स्ट, दो मैनी ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट वर इस्टेब्लिश्ड बाय अर्स्ट वाइल मुगल नोबल्स, दे वर हाईली सस्पिशियस ऑफ सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दैट दे हैड इनहेरिटेड इन द पर्टिकुलर इन द जागीरदार सिस्टम। अब पहली बात तो जो भी सारे स्टेट्स इस्टेब्लिश किए गए थे कहीं ना कहीं मुगल नोबल द्वारा किए गए थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाईली क्या थे, सस्पिशियस थे। सेकेंड, देयर मेथड ऑफ टैक्स कलेक्शन इज डिफर्ड रेदर दैन द रिलाइंग अपॉन द ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट। All three regimes contracted with the revenue farmers for the collection of the revenue and the practice of the irakdari strongly disapproved by the Mughals spread all over in India in the 18th century. अब देखिए, कहीं ना कहीं क्या है, जो इनका मेथड था टैक्स कलेक्शन का, ये भी कहीं ना कहीं क्या है, रिलाइंग था जो कि ऑफिसर्स थे स्टेट के उनके ऊपर ही था, कि वो जो है जो भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है रेवेन्यू फार्मर से बेसिकली कलेक्ट करने का, वो उस तरह उसे ही जो कहते हैं उसे प्रैक्टिस ऑफ इजारदारी कहा जाता था। देयर इम्पैक्ट ऑन द कंट्री साइड डिफर्ड कंसिडरेबली, और जो इसका इम्पैक्ट पड़ रहा था कंट्री साइड पर, यह भी डिफर कर रहा था। द थर्ड कॉमन फीचर इन ऑल दिस रीजनल स्टेट वॉज देयर इमर्जिंग रिलेशनशिप। और ये जो थर्ड कॉमन फीचर था इसमें, यह क्या था, रीजनल स्टेट का जो कि इमर्ज हो रहा था इस रिलेशनशिप में। रिच बैंकर एंड मर्चेंट दिस पीपल लेंड मनी टू रेवेन्यू फार्मर्स। अब जितने भी रिच फार्म बैंकर्स थे या मर्चेंट थे, ये क्या कर रहे थे, जो भी पीपल थे बेसिकली क्या कर रहे थे, इन्हीं रेवेन्यू फार्मर्स से पैसे ले रहे थे, रिसीव द लैंड एज अ सिक्योरिटी। और इनके बदले क्या करते थे, वो जब उन्हें पैसे देते थे तो उनकी लैंड को एज अ सिक्योरिटी वो रख लेते थे, मतलब उनकी ज़मीन को एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लिया जाता था। एंड कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम दिस लैंड थ्रू देयर ओन एजेंट, और उनके ही अपने एजेंट जो थे उनके उससे टैक्स भी लेते थे। थ्रू आउट इंडिया द richest मर्चेंट एंड द बैंकर वर गेनिंग अ स्टेक इन अ न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर। और ये अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो जितने भी richest मर्चेंट थे धीरे धीरे क्या कर रहे थे, बैंकर्स ये ही पूरा गेन जो है वो कंट्रोल कर रहे थे इन स्टेक ऑफ न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर। अब हम देखेंगे द वतन जागीर्स ऑफ द राजपूत। मैनी राजपूत किंग्स पर्टिकुलरली दोज बिलोंगिंग टू द अंबर एंड द जोधपुर हैड सर्व्ड अंडर द मुगल विद द डिस्टिंक्शन। कई सारे राजपूत जो थे पर्टिकुलरली अपने बिलोंगिंग से, जैसे कि अंबर या जोधपुर के, इन्होंने काफ़ी अच्छा सर्व किया था अंडर मुगल, तो इन्हें डिस्टिंक्शन भी मिलता था। इन एक्सचेंज देवर परमिटेड टू एन्जॉय द कंसिडरेबल ऑटोनॉमी। इसके बदले जो उन्हें दिया जाता था, मतलब ये जो डिस्टिंक्शन होता था जो मिलता था उनको, इनके बदले उन्हें ऑटोनॉमी का ही इंस्ट्रक्शन मिलता था, मतलब जैसे चाहें आप अपना राज्य चला सकते हैं इन देर वतन जागीर्स। इन द 18th सेंचुरी देवर रूलर नाउ अटेम्प्टेड टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर द एडजेसेंट रिलीजन। अजीत सिंह द रूलर ऑफ जोधपुर वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फैक्शनल पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट। दिस इन्फ्लुएंशियल राजपूत फैमिलीज क्लेम द सूबेदारी ऑफ द रिच प्रोविनेंस
ऑफ गुजरात एंड मालवा, राजा अजीत सिंह ऑफ द जोधपुर हेल्ड द गवर्नरशिप ऑफ द गुजरात एंड सवई राजा जय सिंह ऑफ द अंबर वॉज द गवर्नर ऑफ द मालवा. दिस ऑफिसेज वर रिन्यूड बाय द एम्परर जहानदार शाह इन 1713. दे ऑल्सो ट्राइड टू एक्सटेंड देयर टेरिटरीज बाय द सीजिंग पोर्शन ऑफ द इम्पीरियल टेरिटरीज नेबरिंग देयर वतन्स. नागौर वॉज द कॉन्कर्ड एंड द एनेक्स्ड ऑफ द हाउस ऑफ द जोधपुर वाइल द अंबर सीज द पोर्शन ऑफ द बूंदी. बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरह से जो है अपनी टेरिटरीज को बढ़ाया जा रहा था, कौन कहाँ पे किस तरह से किस जगह को कॉन्कर कर रहा था. द सवई राजा जय सिंह फाउंडेड हिज न्यू कैपिटल एट जयपुर एंड वॉज गिवन टू द सूबेदारी ऑफ आगरा इन 1722. मराठा कैंपेन इन टू अ राजस्थान फ्रॉम द 1740 पुट द सीवियर प्रेशर ऑन दीज प्रिंसिपैलिटीज एंड चेक देयर द फर्दर एक्सपांशन. और इसके बाद भी क्या एक्सपांशन धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था. सो नाउ हियर वी आर गोइंग टू सी extend their territories by seizing a portion of imperial territories neighboring their vatans. अब देखिए यहाँ पे जो टेरिटरीज की बात की जा रही है, बेसिकली क्या होता है जब कोई किसी एरिया को जीत लेता था तो उसके आसपास के एरिया पे भी वो क्या करते थे, अपनी जागीर यानी अपना किंगडम्स एम्पायर खड़ा करने की कोशिश करते थे. तो उनको भी ये जीतना चाहते थे तो इस तरह से क्या कर रहे थे, वो बढ़ाते जा रहे थे अपने इम्पीरियल को. नागौर वॉज कॉन्क्यर्ड एंड एनेक्स द हाउस ऑफ जोधपुर. और जो नागौर थे उन्होंने कॉन्कर कर लिया था कौन सा हाउस, जोधपुर का. वाइल एम्बर सीज द लार्ज पोर्शन ऑफ द बूंदी. और जो एम्बर थे उन्होंने क्या किया था, जो लार्ज पोर्शन यानी बड़ी ज़मीन बूंदी की यानी बड़ा हिस्सा जो है उन्होंने जीत लिया था. सवई राजा जय सिंह फाउंडेड हिज न्यू कैपिटल एट जयपुर एंड वॉज गिवन टू द सूबेदारी ऑफ द आगरा इन 1722. अब जो राजा जय सिंह थे उन्होंने क्या किया, एक न्यू कैपिटल फाउंड किया जो कि जयपुर का था और इसे सूबेदार ऑफ आगरा को जो है इसे दे दिया गया 1722 में. मराठा कैंपेन इनटू अ राजस्थान फ्रॉम द 1740s बट अ सीवियर प्रेशर ऑन दिस प्रिंसिपैलिटीज एंड चेक देयर फर्दर एक्सपांशंस. और इसके बाद क्या है, जो भी मथुरा कैंपेन हुए राजस्थान में और इधर उधर, तो बेसिकली इन सब पे क्या था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था इस बात का कि वो चेक करते रहे कि फर्दर वो कहाँ कहाँ तक अपना एक्सपांशन कर सकते हैं यानी वो राज्य को और ज़्यादा बढ़ा सके. अब हम देखेंगे सीजिंग इंडिपेंडेंस द सिख. अब जो इंडिपेंडेंस थी उसको कैसे छीना गया या क्या किया गया है उसमें, वो हम यहाँ देखने वाले. द सिख द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिख इन टू अ पोलिटिकल कम्युनिटी ड्यूरिंग द 17th century हेल्प्ड इन अ रीजनल स्टेट बिल्डिंग इन द पंजाब. अब बेसिकली देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन थी सिख कम्युनिटी की, पॉलिटिकल कम्युनिटी की, 17th century में ये जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रही थी उन्हें रीजनल स्टेट को बिल्डअप करने के लिए इन पंजाब. सेवरल बैटल्स वर फॉट बाय गुरु गोविंद सिंह अगेंस्ट द राजपूत ऑफ द मुगल रूलर. और कई सारे बैटल्स भी जो है लड़े गए बाय गुरु गोविंद सिंह अगेंस्ट द राजपूत ऑफ द मुगल रूलर बोथ बिफोर एंड आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द खालसा इन 1699. अब जो भी बेसिकली क्या थे, जो भी इंस्टीट्यूशन थे खालसा के मुगल रूलर के खिलाफ ही थे 1699 में. तो आफ्टर हिज डेथ इन 1708 द खालसा रोज इन अ रिवोल्ट अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी. तो जब उनकी डेथ हुई तो बेसिकली जो खालसा थे ये क्या थे, इनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा भर चुका था, बदले की भावना भर चुकी थी रिवोल्ट की. तो ये जो थे मुगल अथॉरिटी के खिलाफ थे और हमला करना चाहते थे. सो नाउ अंडर मादा बहादुर लीडरशिप डिक्लेयर्ड देयर नानक एंड गुरु गोविंद सिंह एस्टैब्लिश देयर ओन एडमिनिस्ट्रेशन बिटवीन द सतलज एंड द जमुना. अब देखिए क्या थे, जो द खालसा थे इन्होंने रिवोल्ट किया अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी अंडर द बांडा बहादुर लीडरशिप. फिर ये डिक्लेयर कर दिया गया कि सोवरेन बाय सोवरेन रूल द स्ट्राइकिंग अ कॉइंस इन द नेम ऑफ गुरु नानक एंड गोविंद सिंह. और इन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो है बिटवीन सतलज से जमुना, इन्होंने अपना बेसिकली अपना एडमिनिस्ट्रेशन जाहिर कर दिया. बांदा एंड बहादुर वॉज कैप्चर्ड इन अ 1750 और ये जो है पकड़े गए कब, 1715 में एंड एग्जीक्यूटेड इन अ 1716 और इन्हें मार दिया गया था कब, 1716 में. अंडर अ नंबर ऑफ एबल लीडरशिप इन द 18th century द सिख ऑर्गेनाइज देमसेल्व इन टू अ नंबर ऑफ बैंड्स कॉल्ड जाथास एंड लेटर ऑन अ मिसीस. देयर कम्बाइंड फोर्सेज वर नोन एज द ग्रैंड आर्मी विच इज़ अ दल खालसा. अब देखिए कई सारे जो थे कम्बाइंड फोर्सेज थे जिन्हें इस तरह से जाता था कि वो क्या है, एक ग्रैंड आर्मी है. द एंटायर बॉडी यूज टू मीट एट अमृतसर एट द टाइम ऑफ
बैसाखी, और जितने भी लोग थे सारे लोग आके मिलते थे अमृतसर में बैसाखी के समय पे और दिवाली के समय पे, टू टेक द कलेक्टिव डिसीजन अबाउट द रिजोल्यूशन, जो भी रिजोल्यूशन चल रहा है उसके बारे में एक दूसरे से बात करके समझ के जो भी पर्टिकुलरली राइट डिसीजन है वो लेना चाहते थे। अ सिस्टम कॉल्ड राखी वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑफरिंग अ प्रोटेक्शन टू कल्टिवेटर्स। एक जो है राखी एक फंक्शन जो है बेसिकली प्रोटेक्शन का, या हम कह सकते हैं एक सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया गया उस समय पे, जो कि ऑफर करता था प्रोटेक्शन को फॉर द कल्टीवेटर ऑन द पेमेंट ऑफ टैक्स 20% ऑफ द प्रोड्यूस। जो भी बेसिकली आपने प्रोड्यूस किया उस पर 20% टैक्स पे बेसिस पे था ये पेमेंट। गुरु गोविंद सिंह हैड इंस्पायर्ड द खालसा विद द बिलीव दैट देयर डेस्टिनी वॉज टू रूल कार रूल करेगा टू रूल राज करेगा खालसा। बेसिकली देखिए, जो गुरु गोविंद सिंह थे ये इंस्पायर्ड थे खालसा थे, एक भरोसे के साथ, एक डेस्टिनी के साथ, ये क्या था, एक रूल था जो कि क्या था, राज करेगा खालसा। देयर वेल नीट ऑर्गेनाइजेशन एनेबल दैम पुट अप अ सक्सेसफुल रेजिस्टेंस टू द मुगल गवर्नर। और जो बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन था उन्होंने क्या किया था, एक वेल नीट ऑर्गेनाइजेशन था जो कि काफ़ी सक्सेसफुली मुगल गवर्नर्स को क्या कर रहे थे, रेजिस्ट कर रहे थे। फर्स्ट एंड देन द अहमद शाह अब्दाली हु हैड सीज द रिच प्रोविनेंस ऑफ द पंजाब। उसके बाद जो है अहमद शाह अब्दाली थे जिन्होंने सीज किया था रिच प्रोविनेंस ऑफ द पंजाब एंड द सरकार ऑफ द सर हिंद फ्रॉम द मुगल्स। द खालसा डिक्लेयर देयर द सोवरेन रूल बाय स्ट्राइकिंग देयर ओन कॉइन अगेन इन 1765। बेसिकली खालसा ने जो है सोवरेन रूल को स्ट्राइक कर दिया था बाय वन एक्शन, विच इज़ वॉट उन्होंने अपना एक कॉइन चलाना शुरू कर दिया था इन 1765। सिग्निफिकेंटली दिस कॉइन बोर द सेम इंस्क्रिप्शन एज द वन इन ऑर्डर इशूड बाय द खालसा इन द टाइम ऑफ बांदा बहादुर। अब देखिए, इन्होंने जो इंस्क्रिप्शन किया था अपने कॉइन पे, ये सेम वही इंस्क्रिप्शन था जो खालसा के वक्त में बांदा बहादुर ने किए थे। द सिख टेरिटरीज इन द 18th सेंचुरी एक्सटेंडेड फ्रॉम द इंदूस टू जमुना। और बेसिकली जो सिख टेरिटरीज थी ये लेट 18th सेंचुरी में क्या हुई, और ज़्यादा एक्सटेंड हो गई फ्रॉम इंदूस टू जमुना। बट देर वर डिवाइडेड अंडर द डिफरेंट रूलर्स। लेकिन क्या थे वो डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स के अंडर क्या थे, डिवाइडेड थे। वन ऑफ देम महाराजा रंजीत सिंह, एक थे महाराजा रंजीत सिंह, दूसरे थे जो कि रीयूनाइटेड हुए थे इस ग्रुप्स के साथ, इस्टेब्लिश किया था उन्होंने अपना एक अपना कैपिटल एट लाहौर इन 1799। अब देखेंगे हम मराठास। द मराठा किंगडम वॉज अनदर पावरफुल रीजन किंगडम टू अराइज आउट ऑफ अ सस्टेन अपोजिशन ऑफ मुगल रूल। अब देखिए, जो मराठा किंगडम था ये भी एक अनदर पावरफुल रीजनल किंगडम था जिसने क्या किया था, अपने अपोजिशन रूल को सस्टेन किया था बाय टू अ मुगल रूल। अब शिवाजी के बारे में हम पढ़ेंगे। शिवाजी कार्व्ड आउट अ स्टेबल किंगडम विद द सपोर्ट ऑफ द पावरफुल वॉरियर फैमिली। अब देखिए, जो शिवाजी थे उन्होंने अपनी किंगडम को स्टेबल किया बाय द सपोर्ट ऑफ पावरफुल वॉरियर फैमिलीज जो कि देशमुख थे। ग्रुप ऑफ हाईली मोबाइल पीजेंट पेस्ट्रॉलिस्ट प्रोवाइडेड द बैकबोन ऑफ द मराठा आर्मी। और जो भी पावरफुल पीजेंट्स थे बेसिकली उनके खाने पीने का, यानी खाने पीने की कमी ना हो, अच्छे से लड़ाई होती रहे, ये इनका बैकबोन बना था। शिवाजी यूज दिस फोर्स टू चैलेंज द मुगल इन द पेनिनसुला। और बेसिकली शिवाजी ने ही इस फोर्सेस को चैलेंज किया था मुगल में इन द पेनिनसुला। आफ्टर शिवाजीज डेथ इफेक्टिव पावर इन द मराठा स्टेट वॉज विल्डेड बाय द फैमिली ऑफ अ चित्पावन ब्रह्मास। अब जब शिवाजी की डेथ हो गई उसके बाद जो पावर इफेक्ट हुआ था मराठा स्टेट में वो वाइडली किस फैमिली का था, चित्तपावन ब्रह्मास का। हु सर्व द शिवाजी एज अ सक्सेसर एज अ पेशवा, जो कि प्रिंसिपल मिनिस्टर थे उस समय। पूना बिकेम द कैपिटल ऑफ द मराठा किंगडम। और जो पुणे जो स्टेट है जो जिसको आज हम जानते हैं, ये उस समय में क्या था, मराठा किंगडम का कैपिटल बन गया था। अब हम देखेंगे आगे। अंडर द पेशवा द मराठा डेवलप्ड अ वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। और जो पेशवा थे उनके अंडर में मराठा ने क्या है का बहुत ही अच्छा डेवलप किया था अपना मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। देयर सक्सेस ले इन बाय पासिंग द फोर्टिफाइड एरियाज ऑफ द मुगल। और जो इनका सक्सेस था वो बेसिकली बाईपास हुआ था बाय फोर्टिफाइड एरियाज ऑफ द मुगल, बाय
रेडिंग सिटीज़ एंड बाय इंगेजिंग अ मुगल आर्मीज इन एरियाज वेयर देयर सप्लाई लाइन्स रीइन्फोर्समेंट्स कुड बी ईजिली डिस्टर्ब। और बेसिकली इन्होंने अपनी सक्सेस कैसे पाई, जैसे कि जो भी एरिया, जो भी फोर्टिफाइड एरिया था वह मुगल्स, वहाँ पे इन्होंने लाइन्स इंगेज की, अपनी मुगल आर्मी जो थी उनके सप्लाई लाइन्स जो थे वहाँ पे इजीली उन्हें डिस्टर्ब कर सकते। तो इन सारी जगह से क्या है, बेसिकली उन्होंने उनको परेशान करना स्टार्ट किया था। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी, यानी मराठास ने काफ़ी अच्छी आर्मी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। बिटवीन 1720 एंड 1761 द मराठा एम्पायर एक्सपांडेड। और जो 1720 से लेकर 1761 का टाइम था, इस बीच में मराठा एम्पायर जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपांड हुआ था। इट ग्रेजुअली चिप्ड अवे एट द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। और ये जो है, ये अथॉरिटी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ी, हम कह सकते हैं, ऑफ द मुगल एम्पायर। सो मालवा एंड गुजरात वर सीज्ड फ्रॉम द मुगल बाय 1720। सो मालवा और जो गुजरात है ये सीज कर लिया गया बाय मुगल इन 1720। बाय द 1730 द मराठा किंग वॉज रिकोगनाइज एज द ओवरलोड ऑफ द एंटायर डेक्कन पेनिनसुला। और जो मराठा किंग है इन्हें रिकोगनाइज किया गया था किससे, कि उन्होंने पूरा जो एंटायर डेक्कन पेनिनसुला है वो इन्होंने जीत लिया था। ही पजेस द राइट टू लिवी अ चौथ एंड द सरदेशमुखी इन द एंटायर रीजन। और उन्होंने ये राइट जो है लेवी चौथ का एंड द सरदेशमुखी ये एंटायर रीजन में फैला दिया है, हम कह सकते हैं बता दिया गया। आफ्टर रेडिंग अ दिल्ली इन 1737 द फ्रंटियर ऑफ द मराठा डोमिनेशन एक्सपांडेड रैपिडली। अब जो दिल्ली था, दिल्ली में जब उनका रेड हुआ 1737 में, उसके बाद से जो है बेसिकली मराठा जो है, मराठा डोमिनेशन ये क्या हुआ, और भी ज़्यादा एक्सपांड होने लगा काफ़ी ज़्यादा रैपिडली इनटू राजस्थान, पंजाब एंड इन द नॉर्थ। और ये राजस्थान, पंजाब और नॉर्थ एरिया जो था वहाँ पे ज़्यादा तेज बढ़ने लगे। इनटू बंगाल एंड उड़ीसा इन द कंट्री इन द साउथ दिस वर नॉट मेड टू पे अ ट्रिब्यूट टू अ वेरी एक्सपेक्टिंग अ मराठा सोवरेनिटी। अब बेसिकली देखिए, ये कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलुगु कंट्री से जो साउथ एरिया था, ये सारे फॉर्मली क्या हो रहे थे, इंक्लूडेड हो रहे थे मराठा एम्पायर में, बट इन्होंने कोई ट्रिब्यूट जो है मराठा सोवरेनिटी को एक्सेप्ट नहीं किया था काफ़ी अच्छे से। एक्सपांशन ब्रोट एनॉर्मस रिसोर्सेज। और जो एक्सपांशन था इसने काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज भी बना लिए थे, बट इट केम एट अ प्राइस। पर ये सारी चीज़ें क्या है, कुछ ना कुछ प्राइस में आई थी। दिस मिलिट्री कैंपेन ऑल्सो मेड अदर रूल हॉस्टाइल टूवर्ड द मराठास। और जो ये मिलिट्री कैंपेन चल रहा था, ये भी बेसिकली क्या है, इन्होंने अपना एक अदर ही हॉस्टाइल एनवायरमेंट बनाया था टूवर्ड्स द मराठा। एज अ रिजल्ट दे वर नॉट इंक्लाइंड सपोर्ट द मराठास ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। सो एज अ रिजल्ट इसका हुआ क्या, कि ये सारे लोगों ने इंक्लाइंड किया सपोर्ट के लिए मराठास को थर्ड बैटल में पानीपत के, जिस तरह से ये चीज़ें हो रही थी या चल रही थी। अलॉन्ग साइड एंडलेस मिलिट्री कैंपेन द मराठा डेवलप्ड एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एज वेल। और अगर हम बात करें मिलिट्री कैंपेन की, तो मराठा जो थे इन्होंने डेवलप किया था जो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसे। वंस द कॉन्क्वेस्ट हैड बीन कम्प्लीटेड एंड द मराठा रूल वॉज सिक्योर, रेवेन्यू डिमांड्स वर ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस टेकिंग अ लोकल कंडीशन इंटू अ अकाउंट। और बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है, रेवेन्यू डिमांड ग्रेजुअली क्या हो गई, इंट्रोड्यूस की गई कई सारी लोकल कंडीशंस में अकाउंट के। एग्रीकल्चर वॉज एनकरेज्ड एंड ट्रेड रिवाइव्ड। और एग्रीकल्चर जो थी, यानी कृषि को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला, तो ट्रेड को भी, ट्रेड में, ट्रेडिंग में भी क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। दिस अलाउड अ मराठा चीफ लाइक सिंधिया ऑफ द ग्वालियर, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा एंड द भोसले ऑफ नागपुर द रिसोर्सेज टू राइज अ पावरफुल आर्मी। तो इस तरह से क्या हुआ, इन सारी जगहों को के लोगों को, या हम कह सकते हैं वहाँ के सरदारों को, या फिर जो उनके एम्पायर के किंग थे, उन्हें बढ़ावा मिला कि वो अपने रिसोर्सेज को और बढ़ा सकें और उस कैंपेन को और भी ज़्यादा पावरफुल आर्मी बना सकें। मराठा कैंपेन इनटू अ मालवा इन द 1720s डिड नॉट चैलेंज द ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सिटीज़ इन द रीजन। अब देखिए, जो मालवा की अगर हम बात करें 1720 में, तो ये किसी चीज़ ग्रोथ या प्रॉस्पेरिटी को चैलेंज नहीं कर रहा था ऑफ द सिटी रीजन। उज्जैन एक्सपांडेड अंडर द सिंधिया पेट्रोनेज एंड इंदौर अंडर अ होलकर। उज्जैन जो एक्सपांड हुआ था, तो ये सिंधिया के पेट्रोनेज में हुआ, और जो इंदौर हुआ था, तो ये अंडर द होलकर। By all account, these cities were large and prosperous and functioned as an important commercial and cultural center. Basically, देखिए, ये cities जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं
कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस थी, इसलिए बहुत अच्छे से और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन रोल प्ले करती थी इन द कमर्शियल एंड कल्चरल सेक्टर। न्यू ट्रेड रूट इमर्ज विद इन द एरियाज़ कंट्रोल्ड बाय द मराठास। इसके साथ साथ जो है नई और भी ट्रेडिंग के एरिया जो है वो इमर्ज किए गए और कंट्रोल भी किए गए बाय मराठास। द सिल्क प्रोड्यूस इन द चंदेरी रीजन नाउ फाउंड न्यू आउटलेट इन पूना। अब जो सिल्क प्रोड्यूस हो रहा था चंदेरी रीजन में, बेसिकली अब उसे एक नई आउटलेट मिली जो कि कहाँ पे थी, पूना में थी, द मराठा कैपिटल। और ये क्या था, पूना मराठा कैपिटल था। बुरहानपुर विच हैड अर्लियर पार्टिसिपेटेड इन द ट्रेड बिटवीन आगरा एंड सूरत नाउ एक्सपांडेड इट्स हिंटरलैंड टू इंक्लूड अ पूना एंड नागपुर इन द साउथ एंड लखनऊ अलाहाबाद इन द ईस्ट। अब बेसिकली ये देखिए, जो ये ट्रेड था, ये जो आगरा और सूरत के बीच में था, अभी और भी ज़्यादा क्या हो गया, एक्सपांडेड होने लगा पूना में, नागपुर में और साउथ, इसके साथ साथ लखनऊ अलाहाबाद इन द ईस्ट। अब हम देखेंगे द जाट्स। लाइक द अदर स्टेट द जाट्स कंसोलिडेटेड देयर पावर ड्यूरिंग द लेट 17th एंड 18th सेंचुरीज। अगर हम अदर स्टेट की बात करें तो उसी तरह जो जाट्स थे उन्होंने भी क्या किया, अपना पावर जो है कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया ड्यूरिंग द लेट 17th एंड 18th सेंचुरी अंडर देयर लीडर विच इज़ अ चौरामन। दे एक्वायर्ड अ कंट्रोल ओवर अ टेररिस्ट सिचुएटेड टू द वेस्ट ऑफ द सिटी ऑफ दिल्ली and by 1680 they had begun dominating the region between the two imperial cities of the Delhi। इसके बाद क्या हो गया, उन्होंने कुछ रीजन को डोमिनेट करना स्टार्ट किया बिटवीन द टू इम्पीरियल सिटीज़ ऑफ दिल्ली एंड आगरा। फॉर वाइल दे बिकेम द वर्चुअल कस्टोडियंस ऑफ द सिटी ऑफ आगरा, जब वो कि वर्चुअल कस्टोडियंस बने सिटी ऑफ आगरा के। द जाट फॉर प्रॉस्परस एग्रीकल्चरिस्ट एंड टाउन्स लाइक पानीपत एंड द बल्लभगढ़ बिकेम अ इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर इन द एरियाज डोमिनेटेड बाय देम। अंडर द सूरजमल एंड द किंगडम ऑफ द भरतपुर इमर्ज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग स्टेट। अब जो सूरजमल किंगडम था ऑफ भरतपुर, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेट के रूप में उभरा हुआ आया। वे नादिर शाह सेक द दिल्ली इन 1739, मैनी ऑफ द सिटी इज नोटेबल टूक रिफ्यूजी देयर। हिज सन जहांवीर शाह हैड 30,000 ट्रूप्स ऑफ हिज ओन एंड हायर्ड अनादर 20,000 मराठा। अब देखिए, जो नादिर शाह के बेटे थे उन्होंने क्या किया था, जिनका नाम क्या था, जहांवीर शाह, इनके अब ऑलरेडी 30,000 जो थे इनके ट्रूप्स थे, यानी बेसिकली क्या थे, उनके अपने सैनिक। लेकिन उसके बाद भी क्या किया उन्होंने, अनादर 20,000 मराठास और 15,000 सिख ट्रूप जो है फाइट द मुगल्स। बेसिकली इन्होंने इनको भी और हायर कर लिया था, किसके लिए, मुगल से लड़ाई करने के लिए, उनसे फाइट करने के लिए। व्हेन द भरतपुर फोर्ट वॉज बिल्ट इन अ फेयरली ट्रेडिशनल स्टाइल, जब भरतपुर फोर्ट जो है बेसिकली बिल्टअप किया गया इन अ फेयरली ट्रेडिशनल स्टाइल, एट अ डिग द जाट बिल्ट एन एलेबोरेट अ गार्डन पैलेस कम्बाइनिंग अ स्टाइल सीन एट दी एम्बर एंड आगरा। जो गार्डन पैलेसेस हैं कंबाइन किए गए स्टाइल्स को, जैसे कि एम्बर एंड आगरा में देखने को मिलते हैं। इट्स बिल्डिंग वर मॉडल्ड एंड द आर्किटेक्चरल फॉर्म्स फर्स्ट एसोसिएटेड विद द रॉयल्टी अंडर शाहजहां। और इनके जो बिल्डिंग थी, इनकी जो मॉडल थी, इनकी सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा आर्किटेक्चरल मिला फर्स्ट फॉर्म में, विच इज़ एसोसिएटेड विद द शाहजहां। तो इनके प्रेजेंस में ही जो है इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा और डेवलप किया गया, बनाया गया, ताकि वो उसे जो है काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न दिखे। सो देखिए, बेसिकली इस चैप्टर में आपने जो देखा है उसे मैं इन शॉर्ट ब्रीफ करना चाहूँगी। हमने यहाँ पे जो इस चैप्टर में देखा, जैसे कि हम जानते हैं कि चैप्टर की हेडिंग क्या थी, द 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। बेसिकली देखिए, जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, जब भी कोई स्टेट कहीं पे भी जीतता है तो वहाँ पे उसका राज होता है, वहाँ पे उसकी तरह के कानून चलते हैं, फिर अकॉर्डिंगली क्या है वो इंसान और भी ज़्यादा बढ़ते चला जाता है, यानी जो राजा महाराजा थे उस तरह से। तो किस किस तरह से किसने कौन से किंगडम को जीता, कब कहाँ पे किसका पावर आया, किस तरह से वहाँ पे क्या परेशानी आई, यही सारी चीज़ें जो है हमने यहाँ इस चैप्टर में देखी है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया है। इन केस अगर आपको कोई चीज़ है जो नहीं समझी है, आपको कोई डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस चैप्टर की वीडियो के साथ आपको इसके आंसर्स भी मिल जाएंगे। आप अपनी कॉपियाँ कंप्लीट कर लीजिएगा टाइम से, क्योंकि आने वाले एनुअल एग्ज़ाम में आपको सभी चैप्टर्स की पढ़ाई काफ़ी अच्छे से करनी है। सो नाउ थैंक यू फॉर द डे।